हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जीके में, जो कि आपका होने वाला है मॉक टेस्ट से रिलेटेड। आज मैं आपको एक मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ जिसमें आपको टॉप क्वेश्चंस मैं देने वाला हूँ, जो कि सभी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, उसके बाद आपको राइट आंसर बता दूंगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का क्विज स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बोला गया है यहाँ पर किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता है। यहाँ आपको बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जिसके वेतन पर आयकर नहीं लगता, मतलब इनकम टैक्स नहीं लगता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, सेकंड नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए थे वो किस देश से लिए गए थे। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा? आयरलैंड, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए, थर्ड नंबर बोला गया है यहाँ पर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। यहाँ पर अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका से ही भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए, फोर्थ नंबर बोला गया है यहाँ पर, मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर आपको बताना है कि मनुष्य में गुण सूत्र कितने होते हैं या कितनी संख्या में होते हैं। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा? 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 46 गुण सूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से आपको अगर कभी ऑप्शन में दे दिया जाए 23 जोड़ी, कितना दे दिया जाए? 23 जोड़ी अगर आपको दे दिया जाए तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 जोड़ी का मतलब क्या होता है? 46 होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया, बोला गया उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। अब यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य जो बना था वो हमारा राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 2000 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2000 ईस्वी को ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए, 6 नंबर बोला गया यहाँ पर, देखिए बोला गया यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि थल सेना का प्रधान कौन होता है। अब यहाँ आपको बताना है जो थल सेना का प्रमुख होता है या बोल सकते हैं प्रधान होता है वो कौन होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जनरल। क्या हो जाएगा? जनरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए, 7 नंबर बोला गया है यहाँ पर, जल सेना का प्रधान कौन होता है। अब ऐसे ही आपको बताना है कि जल सेना का प्रधान कौन होता है या प्रमुख कौन होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एडमिरल। क्या हो जाएगा? एडमिरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, 8 नंबर बोला गया है यहाँ पर, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। आपको यहाँ पर अब बताना है कि संविधान का ऐसा कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, मतलब भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया था। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या हो जाएगा? 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, 9 नंबर बोला गया है यहाँ पर, देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है। यहाँ आपको बताना है कि देश में नमक उत्पादन तो आपको पता ही होगा समुद्र तट के किनारे होता है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको बताना है कि नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए, 10th नंबर बोला गया है यहाँ पर,
भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? यहाँ आपको बताना कि भारत के जितने भी अभी तक के प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्रियों में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उनका जो कार्यकाल रहा था वो रहा था 16 वर्ष का। कितना? 16 वर्ष का और 9 महीने का और 13 दिन का। कितना रहा था? तो आपको मैंने बता दिया है कि 16 वर्ष का, 9 महीने का और 13 दिन का उनका टोटल कार्यकाल था। इस वजह से इनको ये दर्जा प्राप्त है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है? जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है 11th नंबर, बोला गया है यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कैबिनेट मंत्री जितने भी रहे हैं उनमें सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। क्या हो जाएगा? जगजीवन राम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जगजीवन राम जी जो थे वो कैबिनेट मंत्री के तौर पर कितने वर्षों तक कार्यभार संभाले थे। तो 32 वर्षों तक कार्यभार उन्होंने संभाला था बतौर कैबिनेट मंत्री। आप बोल सकते हैं कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा जो कार्यकाल रहा है वो इन्हीं का रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया है यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया। यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। यहाँ आपको बताना है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न। क्या हो जाएगा? भारत रत्न राइट आंसर। नेक्स्ट में बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए 13 नंबर, बोला गया है यहाँ पर भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। आपको यहाँ पर बताना है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया, बोला गया भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भारत में करंट समय में, या बोल सकते हैं भारत में प्रेजेंट टाइम में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9 हैं। और अगर हम बात करते हैं राज्य की, तो भारत में इस समय राज्य कितने हैं? तो इस समय राज्य हैं 28। कितने हैं? 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ तक कि मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपको टॉपिक वाइज काफ़ी ज़्यादा क्विज कराता हूँ और काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक आपके लिए लाता रहता हूँ, ट्रिक भी लाता रहता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जिन भी स्टूडेंट्स को इसका PDF चाहिए, इस क्विज का PDF चाहिए, तो इसका PDF की लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो चलिए कल मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।